दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा राज्यसभा को लेकर के है। राज्यसभा जिसे हमने ब्रिटेन से लिया, भारतीय सदन का संसद का उच्च सदन है और जिससे रिलेटेड हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी संसद का ऊपरी सदन पूछते हैं तो कभी भारतीय संसद का स्थायी सदन पूछते हैं, कभी राज्यसभा के सदस्यों की टाइमलाइन पूछते हैं तो कभी उनकी संख्या पूछते हैं, कभी किस राज्य में कितने सदस्य हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके होते हैं। और लगभग 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जो राज्यसभा से लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में उनमें से 5-10 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, चाहे एसएससी हो या एनडीए, सीडीएस हो या यूपीएससी, या फिर दूसरे टाइप के केवीएस, एसटेट, सीटेट, डीएसएसबी, रीट, एमपीटेट जैसे टीचिंग एग्जाम हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम राज्यसभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये मेरा वादा है कि वीडियो में काफी ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको पहली बार आज पता चलेगा। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हर उस छोटे से छोटे पॉइंट को समझा जाए जो एग्जाम में आपको परेशानी दे सकता है। अगर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन बनते हैं और आपने 29 कर रखे हैं और एक क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया और वो किसी एग्जाम में आ गया तो आपके लिए वो गलत हो जाएगा और जो 29 क्वेश्चन आपने किए थे उनका कम से कम उस एग्जाम में तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के एग्जाम को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस, टू ऑर्डर स्टडी मटेरियल फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीटेट, रीट, डीएसएसबी, एमपीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल या अदर एग्जाम्स, आप लोग सभी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम जितने भी हैं इंडिया में, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए, बाय कोरियर घर पे मंगवाने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यही नंबर हमारा कॉलिंग नंबर भी है और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको उपलब्ध मिलता है। फॉर एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट अस स्टडी पोर्टल 07@gmail.com, यानी कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आप स्टडी पोर्टल 07@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल मंगवाने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों राज्यसभा आर्टिकल 80 के अनुसार, यानी 80 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्यसभा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो यहाँ पहले ही शब्द से आपका क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ध्यान रखें, पहले ही शब्द से आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। राज्यसभा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 80 में, 80 अनुच्छेद के अनुसार, यानी आर्टिकल 80 के अनुसार 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। ये दूसरा क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा किस आर्टिकल में है, आपका आंसर होगा 80। राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। राज्यसभा की प्रथम बैठक, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखें, राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, यानी 3 अप्रैल को गठन हुआ और 13 मई को इसकी पहली मीटिंग हुई। ये मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से इतनी बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक तो समझना जरूरी है ही है, लेकिन उससे बनने वाले क्वेश्चनों का पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चनों का आंसर दे करके उनको संतुष्ट करना है एग्जामिनर को और अपना नंबर उनके कोटे से छीन लेना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उपनाम, किन किन नामों से राज्यसभा को जाना जाता है? नंबर 1, संसद का उच्च या वरिष्ठ सदन, यानी संसद का अपर हाउस कहते हैं, भारतीय संसद का अपर हाउस कहते हैं, जो किसे हमने इंग्लैंड के लॉर्ड हाउस से लिया है, इंग्लैंड का लॉर्ड हाउस वहां का अपर हाउस है। नंबर, यानी राज्यसभा के उपनामों में क्या है, संसद का उच्च सदन या वरिष्ठ सदन इसे कहा जाता है, विद्वानों का सदन इसे कहा जाता है क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड से हमने ले रखा है, राज्यों का सदन इसे कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स या राज्यों का सदन या हाउस ऑफ द स्टेट्स जिसको हम कह सकते हैं, हाउस ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों के द्वारा चुने गए एमएलए राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसलिए इसके राज्यों का सदन भी कहा जाता है। अलोकप्रिय सदन,
यानी पॉपुलर नहीं है, अनपॉपुलर कह सकते हैं, अलोकप्रिय सदन इसे माना जाता है, क्योंकि जनता में इसकी ज्यादा साख नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जनता से इसके जो एमपीज होते हैं राज्यसभा के, वो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, जनता से उनका कोई खास लेना देना नहीं होती है। जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं और जनता उनको चुनती है, उस तरीके से राज्यसभा का जनता से सीधा कनेक्ट नहीं है, इस वजह से इसे थोड़ा अलोकप्रिय कहते हैं। संसद का द्वितीय सदन यानी संसद का दूसरा सदन भी कहा जाता है, यहाँ पहला सदन वो लोकसभा को मानते हैं इसलिए इसे दूसरा भी कहते हैं। संसद का स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, संसद का परमानेंट हाउस इसे कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, केवल स्थगित किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि संसद के कौन से हाउस को भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भंग किसे नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ स्थगित कर सकते हैं आप, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को 5 साल का कार्यकाल होने से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ये तो एक ऐसा पेज था जिसमें आपको 6-7 क्वेश्चन नजर आए। अगर ये पूछे कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, राज्यसभा आंसर आएगा। विद्वानों का सदन कौन है, राज्यसभा। राज्यों का सदन कौन है, राज्यसभा। अलोकप्रिय सदन, राज्यसभा। संसद का दूसरा सदन, राज्यसभा। और संसद का स्थायी सदन, या फिर जिसे कभी भंग ना किया जा सके, उसे भी हम राज्यसभा कहते हैं। उसके बाद अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी चेयरमैन। दोस्तों ध्यान रहे, लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग स्पीकर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को हम लोग चेयरमैन कहते हैं, और हिंदी में भी इसका वर्ड सभापति यूज किया जाता है। अध्यक्ष की बजाय हम यहाँ बल्कि सभापति यूज को शब्द को यूज करना ज्यादा बेटर मानते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति भी कहते हैं, जो कि वर्तमान का उपराष्ट्रपति होता है, यानी एट प्रेजेंट जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। अभी अगर हम देखेंगे तो श्री वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वही भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष या चेयरमैन या सभापति भी हैं। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन होता है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य न होते हुए भी अध्यक्ष होता है। आपको ध्यान है, भारत की लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 जो मेंबर हैं, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन 545 के अंदर से होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, उपसभापति है, वो तो इन 245 में से होता है, लेकिन जो चेयरमैन होता है यानी जो सभापति अध्यक्ष होता है वो इसके अंदर से नहीं होता है, वो बाहर से आकर के इसका अध्यक्ष बनता है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष, अब अगर आपको पता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो भारत का पहला राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? जो पहला उपराष्ट्रपति होगा, और पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और अभी वर्तमान में आपके समान सामने जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, वही राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष या सभापति या चेयरमैन है। वर्तमान राज्यसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी हैं। उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, या फिर इसे उपसभापति कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपसभापति का चयन करते हैं, यानी मैंने आपको बताया था कि 245 के अंदर से ही आएगा ये उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन, और जो चेयरमैन या सभापति है वो बाहर से होगा, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का प्रथम उपाध्यक्ष एसवी कृष्ण मूर्ति राव था। ये क्वेश्चन भी बहुत कम बच्चे जानते हैं, आमतौर पर हम सभापति को ही ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर पहला उपाध्यक्ष कहेंगे तो एसवी कृष्ण मूर्ति था। यानी एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष एस राधा कृष्ण जी थे, जो पहले उपराष्ट्रपति से, पहला उपाध्यक्ष एसवी कृष्ण मूर्ति था। ये भी आपको यहाँ समझना पड़ेगा। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में अभी उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में अभी वर्तमान में उपसभापति हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस सदस्य पीजे कुरियन को रिप्लेस किया है। पीजे कुरियन को रिप्लेस किया है या फिर उनकी जगह ली है। पीजे कुरियन जो कांग्रेस के सदस्य थे, राज्यसभा के लंबे समय से उपसभापति थे, उनका स्थान लिया है हरिवंश नारायण सिंह ने। त्याग पत्र, रिजाइन किसे देते हैं? राज्यसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के रूप में
राष्ट्रपति को देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है। राज्यसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष, अगर हम सीधी सी बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष या चेयरमैन की, तो वो एज ए चेयरमैन अपना इस्तीफा नहीं दे सकता है। एज ए चेयरमैन तो अपना इस्तीफा दे ही नहीं सकता, वो जब तक भारत का उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति रहेगा तब तक वो राज्यसभा का अध्यक्ष उसे बनना ही पड़ेगा, और अगर वो ये पद उसको नहीं चाहिए तो उसे भारत के उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी राज्यसभा का अध्यक्ष, जिसे हम सभापति कहते हैं, वो अपना इस्तीफा नहीं दे सकता। उसका इस्तीफा देने के लिए उस व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ेगा, और वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। एक तो ये क्वेश्चन भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। जबकि जो उपाध्यक्ष है वो अपना पत्र अध्यक्ष त्याग पत्र अध्यक्ष को दे देगा, क्योंकि जब वाइस चेयरमैन की बात आएगी तो वो तो चेयरमैन को दे ही देगा ना इस्तीफा, और जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट को इस्तीफा देगा। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में लॉजिक होता है। कार्यकाल, टर्म, कितने समय का कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में होता है और वो 5 साल होता है, जबकि उपाध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी याद रखना आप लोग। भारत के अंदर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का है तो 245 के 45 लोगों का 6 साल होगा, और 45 में से ही उपाध्यक्ष होता है यानी उपसभापति होता है, उसका भी 6 साल ही होगा। लेकिन जो सभापति होता है वह भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल है। 5 साल के बाद उसको वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ना पड़ेगा तो सभापति का अपने आप खाली हो जाएगा। ये भी याद रखना। ऐसे पद को हम लोग पदेन पद कहते हैं। पदेन पद इंग्लिश में इस वाले से बच्चे से एक्स ऑफिशियो पोस्ट कहते हैं, यानी पहली पोस्ट की वजह से आपको दूसरा मिले। अगर आपको उपराष्ट्रपति का पद मिला है तो राज्यसभा के चेयरमैन का पद आपको एज ए तोहफे में मिल ही जाएगा। उसके बाद निर्वाचन, चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी एमएलएज करते हैं। मान लो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 90 एमएलए हैं और यहाँ राज्यसभा के सदस्य 5 चुने जाते हैं, तो हरियाणा के 90 एमएलए जो हैं वो अपने राज्यसभा के 5 सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी किसी राज्य के अंदर जितने भी निर्वाचित सदस्य एमएलए के रूप में होते हैं या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने वहां के अपने राज्य के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं, तथा सेवानिवृत्त सदस्यों को पुनः भी चुना जा सकता है। ये भी एक जबरदस्त लॉजिक। हमने पढ़ा था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस इसका मतलब भंग नहीं होता है। तो इसके सदस्यों को का जो चुनाव 6 साल के लिए होता है वो हर 2 साल के बाद 1/3, जैसे 2010 में, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020। इस मान लो 2010 में 1/3 यानी 33%, 2010 में 33% चुने, 12 में फिर 33% चुने, 14 में फिर 33% चुने। आप 2-2 साल बाद चुनोगे तो आदत बन गई है, आप 16 में भी चुनोगे, बट 16 में चुनने के लिए आपके पास लोग है ही नहीं, ये 100% तो आपके हो गए हैं। तो इसका मतलब 16 में चुनने से पहले आपको 10 वाले लोगों को रिटायर करना पड़ेगा इनकी जगह 16 में, 12 वाले को रिटायर करके उनकी जगह 18 में, 14 वालों को रिटायर करके उनकी जगह 20 में। यानी हर 2 साल के बाद 33% सदस्यों को आपको रिटायर देना होता है और उनकी जगह 33% नए आने होते हैं। इसी वजह से हम स्थायी सदन भी कहते हैं। आयु, एज, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, और अधिकतम, दोस्तों भारत की राजनीति में अधिकतम आयु नहीं होती है। पंच हो या सरपंच हो, एमएलए हो या एमपी हो, सीएम हो या पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, भारतीय राजनीति में मिनिमम आयु तो है, न्यूनतम तो है, लेकिन अधिकतम या मैक्सिमम आयु नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का एक प्रकार से दुर्भाग्य भी माना जा सकता है, क्योंकि एक निश्चित उम्र के बाद, एक निश्चित एज के बाद इंसान उस अवस्था में नहीं रहता है कि वो उतना काम कर पाए, तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट तो बनती है, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है।
शपथ ओथ कौन दिलवाता है? राज्यसभा के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा नामित या नियुक्त, यानी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट या अपॉइंट कोई भी व्यक्ति शपथ इसको दिला देता है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा सदस्यों को शपथ राज्यसभा अध्यक्ष दिलाता है, ये भी देख लेना है अपने। राज्यसभा सदस्यों को जो शपथ है वो राज्यसभा का अध्यक्ष दिलाता है, ये आप देख सकते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष को शपथ लेते हुए राज्यसभा के अध्यक्ष को भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। यहाँ पे श्री वेंकैया नायडू जी हैं, यहाँ पे श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं 14वें, तो इन्होंने ही इनको ये शपथ दिलवाई थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद वर्तमान राज्यसभा सीटें कितनी हैं? दोस्तों भारत के अंदर पहले राज्यसभा की सीटें 250 हुआ करती थी और लोकसभा की 552 हुआ करती थी। अब राज्यसभा की 245 हैं और लोकसभा की 545 हैं, लेकिन अभी भी अगर अधिकतम पूछा जाए तो इन दोनों की अधिकतम सीटें ये कहलाएंगी, और अभी वर्तमान में जो सीटें पूछा जाए वो ये कहलाएंगी, ये 2026 तक यही रहेंगी। 1976 में 25 साल के लिए इन्हें कम किया गया, 2001 में टाइम पीरियड पूरा होना था, 25 साल का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया, 2026 तक इनका कार्यकाल, इनकी संख्या यही रहेगी, यानी 50 की जगह 45 और 552 की तरह 545। राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाएंगे? 233, और राष्ट्रपति द्वारा 12। ये 245 की बात कर रहा हूं मैं, 245 में से 233 राज्यों और केंद्र शासित यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। और राष्ट्रपति नॉमिनेट कितने लोगों को करेगा? नॉमिनेट करेगा 12 लोगों को, और इलेक्टेड लोग होंगे आपके 233। लेकिन अधिकतम की बात करें, जब 250 हुआ करते थे तो अधिकतम के समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 238 लोग हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रपति तब भी 12 ही सदस्यों को नॉमिनेट किया करता था। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल जगत, फिल्मी हस्तियां और अलग अलग सेक्टर के पसंदीदा लोगों को इसमें मनोनीत किया जाता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सोशल लेवल के ऊपर एक समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा काम किया हो, चाहे कोई अच्छा कलाकार हो, चाहे साहित्यकार हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, फिल्म इंडस्ट्री का कोई पर्सन हो, या फिर कोई सोशल वर्कर हो, ऐसे लोगों को समय समय पर इसमें लाया जाता रहा है। चाहे सचिन तेंदुलकर की बात हो, चाहे रेखा की बात हो, चाहे भारत के अंदर दारा सांग जैसे पहलवानों की बात हो, समय समय पर इन पदों को दिया जाता रहा है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल 14 सदस्य, 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा से मनोनीत किए जाने का अधिकार होता है। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें कुल 31 सीटें। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य से हैं? राजस्थान की कुल राज्यसभा सीटें 10 मानी जाती हैं। दिल्ली की कुल राज्यसभा सीटें 3 होती हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो राज्यसभा में 5 होती हैं। पांडिचेरी की कुल राज्यसभा सीटों में 1 सीट की गिनती होती है। राज्यसभा के विशेष अधिकार या शक्तियां क्या हैं? राज्यसभा के विशेष अधिकार या शक्तियों में आर्टिकल 249 के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकती है, यानी ये कह सकते हैं स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय को यूनियन लिस्ट में भेजने का प्रस्ताव ला सकती है। आपको पता है हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची है। राज्य सूची के किसी विषय को यूनियन सूची लिस्ट में यानी राष्ट्रीय महत्व के अंदर देना वो राज्यसभा के पास एक राइट होता है। अनुच्छेद 252, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा 2 या 2 से अधिक विधानमंडलों द्वारा पारित विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312, इस अनुच्छेद के अनुसार केवल राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा मतलब AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IPS जैसी नई सेवाओं का गठन कर सकती है। और एक कोर पॉइंट होता है इसमें, राज्यसभा ही
उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकती है, इम्पीचमेंट ला सकती है, क्योंकि इसका मतलब यही है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन को हटाने की शुभ शुरुआत हम अपने हाथों से करना चाहते हैं। ध्यान रहे, राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट, संसद के किसी भी सदन में पहले और बाद में जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ पहली बार जब भी इम्पीचमेंट आएगा तो वो राज्यसभा ही से शुरू हो सकता है, लोकसभा से शुरू नहीं कर सकती है। भारत में वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं फेमस मानी जाती हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे कहते हैं, IPS इंडियन पुलिस सर्विस जिसे कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा, और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भारतीय वन सेवा। इसी के साथ IFS फॉरेन सर्विसेज जैसी और भारत के अंदर काफी सारे अलाइड फोर्सेज होती हैं। सिविल सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक या अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई फेरबदल नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है और 14 दिन तक देरी कर सकती है, ये भी याद रखना है। कितने दिन तक बिल को रोक सकती है? ओनली 14 दिन तक रोक सकती है धन बिल को राज्यसभा। राज्यसभा सदस्य बनने वाला प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। फिल्म इंडस्ट्री का पहला अभिनेता जो राज्यसभा का सदस्य बना वो पृथ्वीराज कपूर था, और राज्यसभा सदस्य बनने वाले प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जो सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मम्मा हुआ करती थी। राज्यसभा सदस्य बनने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य बनने वाला पहला वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे, जिनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस है, जिन्हें SN बोस भी हम कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की बिजनेस डील के लिए आप लोग जो स्टडी पोर्टल के नाम studyportal07@gmail.com के नाम से ID है, इसके ऊपर मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा जो सबसे जरूरी चीज है, मेहनत करें, क्योंकि एग्जाम, थोड़ा सा भी मेहनत और ध्यान दे दोगे तो एग्जाम